ऊंचे स्थान पर उठ पर है, आज तो घर बना के है, किना तो गुजारा कर रहे हैं, इसमें कोई साधन नहीं हो रहा है। तो ये देखा अभी अपने अपने स्थिति की किस तरीके से यहाँ पर जो आसपास के जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से डूबे हुए हैं, और घर देखिए ये झोपड़ियां बिल्कुल पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है। स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। और देखिए इस घर घर में देखिए बूढ़ी जो महिला है वो तक यहाँ पर देखिए बाढ़ का जो पानी है उसमें यहाँ पर आ जाने की वजह से वो फंसी हुई है। और स्टेट हाईवे जो है ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है कई जगह, क्योंकि यहाँ पर पानी लगा हुआ है जिसकी वजह से जो यातायात है आवागमन है वो बाधित है। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो गांव का जो हिस्सा है उसकी तमाम उसके दोनों तरफ के गांव के हिस्से देखिए लोगों ने इस तरफ अपने घर की छत पर शरण ले रखा है, क्योंकि उनका घर जो है बाढ़ की चपेट में है, पानी की चपेट में है। और ये उनके घर की छत है जिस पर उन्होंने फिलहाल अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश की है। ये स्थिति बिहार और यहाँ की समस्तीपुर दरभंगा हाईवे की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का जीवन जो है वो मुश्किल हुआ हुआ है। इस वक्त हम दरभंगा और समस्तीपुर के हाईवे के पास हैं। ये हाईवे जो है समस्तीपुर से दरभंगा को जोड़ता है, और इस SH-50 पर आप देख सकते हैं कि जो जीएन इंग्लिश स्कूल है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। इसके बगल में भी एक आवासीय विद्यालय है जो भी भीग चुका है, पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से यहाँ पर बाढ़ के पानी के सैलाब ने यहाँ पर अपनी जो अपनी तबाही है वो दिखाई है। इस स्कूल में अभी भी कुछ बच्चे दिख रहे हैं और स्कूल के कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, शायद वो यहाँ पर रहते ही हों, लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ से अभी फिलहाल उनका निकलना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि ये पूरे लोग जो है बाढ़ के पानी के चारों ओर घिरे हुए हैं। यहाँ पर जो है स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक होती नजर आ रही है, क्योंकि पिछले साल भी हम यहाँ पर आए थे, हमने कवर किया था, और यहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं थी। ये जो स्टेट हाईवे 50 है वो कई जगह से बाढ़ के पानी की वजह से कट चुका है, और समस्तीपुर से दरभंगा का जो रूट है जो रास्ता है वो कई जगह से प्रभावित हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर से बाढ़ का पानी गुजर रहा है और इस स्टेट हाईवे को बंद कर दिया गया है। हालांकि जो आसपास के गांव के लोग हैं वो फिलहाल अभी इस रास्ते से गुजर